मोहब्बत के लिए महिला से पुरुष बनी CISF जवान, लंबे संघर्ष के बाद जीती जंग। मोहब्बत के लिए आपने कई कहानियां और संघर्षों की दास्तां सुनी होगी, लेकिन यहां हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि शायद ही आपने ऐसी प्रेम कहानी सुनी होगी। CISF की महिला कांस्टेबल की कहानी आपको हैरान करती है। CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने एक महिला कांस्टेबल को आधिकारिक तौर पर पुरुष स्वीकार किया और उनकी नौकरी को जारी रखा। अपने आप में यह पहला मौका है जहां किसी महिला कांस्टेबल की नौकरी को पुरुष कांस्टेबल की जगह पर बहाल किया गया है। संजय, काल्पनिक नाम, ने 6 साल पहले लिंग परिवर्तन करवाया था और पुरुष बन गए थे। इस ऑपरेशन से पहले उन्होंने ये जानकारी मुख्यालय को दे दी। दरअसल वो जिस महिला से प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन कानूनी बाध्यताओं को पार करने के लिए उन्हें अपना ऑपरेशन करवाना पड़ा। संजय का मानना है कि अगर भारत में समलैंगिक विवाह की मान्यता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करते। कमाल की बात यह है कि जब उन्होंने शादी रचाई तो वो बकायदा मर्दाना मूछ के साथ शादी करने पहुंचे थे। सुनने में आसान लगने वाली ये कहानी काफी संघर्षपूर्ण रही। संजय को खुद को पुरुष साबित करने के लिए सिर्फ ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा बल्कि कई कठिन परीक्षाओं को भी पास करना पड़ा, जिसके बाद CISF की मेडिकल टीम के साथ एम्स की टीम ने भी स्वीकार किया कि संजय अब महिला नहीं बल्कि पुरुष हैं। फिलहाल उनको बतौर क्लर्क दफ्तर के काम की जिम्मेदारी दी गई है। संजय ने पहले दिल्ली मेट्रो में नौकरी की और फिर CISF ज्वाइन करने के बाद तय किया कि अब से एक्सचेंज करवाना है। उन्हें डर था कि नौकरी के बाद वो घर जाएंगे तो उनकी शादी करा दी जाएगी, इसीलिए वो CISF की नौकरी ज्वाइन करने के बाद अपने घर गए। संजय ने अपने ऑपरेशन के लिए 10 लाख का लोन भी लिया है।